एक नूर सी परी थी, उसकी अदाएं सीधे दिल पे लगती थी। जब वो स्कूल आती थी उसको देखकर जान में जान आ जाती थी। उसको छुप छुप के देखना मेरी आदत सी हो गई और देखते ही देखते उससे बेपनाह मोहब्बत हो गई। टीचर के किसी बातों से जब वो हंसती थी उसकी मुस्कुराहट सीधे दिल पे लगती थी। प्यार तो उससे बहुत था पर ना जाने क्यों अपने प्यार का इजहार करना मेरे बस में ना था। आखिरकार वो दिन भी आ गया और मैंने अपनी सारी बात एक खत में लिख दिया। एक बहाने से वो मेरे पास आई और मेरी लिखी हुई खत उसके पास चली गई। खत को पढ़ने के लिए उसे शाम का इंतज़ार था और मुझे उसके बातों का इंतज़ार था। खत पढ़ करके उसने अपनी आंखें भिगो डाली। इधर मैंने सोचा कि कोई गलती तो नहीं कर डाली। खत पढ़ करके वो खूब रोई। मैंने सोचा कि वो मेरे पास क्यों आई। नए सवेरे के साथ वो स्कूल आई और साथ में ही मेरे बातों का वो जवाब लाई। उसने खत में अपना जवाब दिया और साथ में एक दोस्ती का फूल दिया। अब दोस्ती का फूल पाकर प्यार की उम्मीद जगी और मेरे दोस्तों को कहने के लिए एक प्यारी भाभी मिली। धीरे धीरे हम दोनों की बात एक खत के जरिए होने लगी। स्कूल की वो एक छुट्टी हम दोनों को बहुत बेचैन कर दी। फिर कुछ दिनों के बाद हम दोनों ने खत से बातें बंद कर दी क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे को जो फ़ोन नंबर दे दी। फ़ोन पर घंटों घंटों बात होने लगी। कभी सुबह तो कभी रातों रात होने लगी। क्लास में एक दूसरे को देखकर जी मीठा सा होने लगा और हमारा प्यार पूरे क्लास को सपोने लगा। हमारा प्यार धीरे धीरे पूरे स्कूल को पता चल गया क्योंकि हम दोनों को जो एक दूसरे से सच्चा प्यार हो गया। क्लास समय के साथ धीरे धीरे सब ठीक हो गया और हमारा मिलन फिर से पहले जैसा हो गया। फिर से एक नया सवेरा हुआ और हमारा प्यार पहले से बहुत बेटर हो गया। एक दूसरे पर हम दोनों जान वारने लगे। हर रोज स्कूल साथ आने लगे। जिस दिन स्कूल आने में उसे देर हो जाती थी, यार क्या करें, स्कूल में रहकर भी वो स्कूल वाले फेल नहीं आते थे। उसके साथ स्कूल जाना दिल को बहुत अच्छा लगता था और रास्ते में ही एक शिव जी का मंदिर पड़ता था। हम दोनों ने सोचा कि एक मुलाकात हो जाए। उसने कहा देर किस बात की, चलो अगली सुबह उस मंदिर पर आ जाए। मंदिर पर आकर के भगवान से हमेशा साथ रहने की मन्नत मांग डाली। कुछ सोचा ना समझा, बस एक दूसरे का हाथ पकड़ा और उस मंदिर के साथ फेरे ले डाली। साथ फेरे ले करके भगवान का आशीर्वाद लिया। भगवान को लड्डू का भोग लगाया और वो लड्डू पूरे लोगों में बांट दिया। वो लड़का हमेशा कहता था कि पूरे लड़कों से दूर रहना उसे अच्छा लगता था, उसके इतने फिक्र करना। लड़की ने कहा कि चिंता मत करो, मैं किसी से कोई भी संबंध नहीं रखूंगी, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी ही रहूँगी। अब ये बात सुनकर लड़का बहुत खुश हो गया। उसे ऐसा लगा कि मानो सारी कबूल हो गई दुआ। वो मंदिर, वो जगह और भगवान ने एक ऐसा समय लाया हम दोनों के मिलन के लिए, एक अच्छा सा मेला लगवाया। वो मेला हम दोनों की जिंदगी में खूब खुशियाँ भर दिया। साथ खाए पिए, मस्ती किए और शाम को घर चल दी। हर शाम को हम दोनों की ढेर सारी बातें होने लगी थी। शायद इसी वजह से वो घर का काम जल्दी कर लेती थी। एक समय आया जब घर वालों को उस पर शक होने लगा। फिर क्या था, उसका फ़ोन ले लिया और उसको चेतावनी मिल गया। किसी न किसी तरह से वो हर रोज़ बात करती थी क्योंकि सबके सो जाने के लिए वो देर रात तक इंतज़ार करती थी। धीरे धीरे उसे मोबाइल मिलना बहुत मुश्किल हो गया और इधर मुझे उसकी यादों ने खूब तड़पा दिया। उसकी तड़पती यादों ने मेरा कुछ हाल ऐसा कर डाला। कुछ सोचा न समझा ब्लेड लिया और अपने हाथ पर उसका नाम लिख डाला। जब उसे पता चला कि मेरे हाथ में उसका नाम है, वो मेरे पास आई, बोली कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है, अभी मैं जा करके एक नई सिम निकलवाती हूँ और हाँ इंतज़ार करना, अगली सुबह मैं तुम्हारे लिए एक प्यारा सा सरप्राइज लाती हूँ। उसकी बातों को सुनकर वह सोच में पड़ गया और जब सुबह उसने सरप्राइज दिया तो लड़का दंग हो गया। वो लड़की बोली कि सरप्राइज कैसा लगा, उसके हाथ पर मेरे नाम का घाव मुझसे देखा ना देख गया। वो लड़की कहती है कि ये सब दोबारा मत करना, चिंता क्यों करते हो मेरी जान, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। अब धीरे धीरे समय के साथ प्यार और गहरा हो गया, ना जाने क्यों और कैसे हो गया। बड़े धूमधाम से नवरात्रि का मेला लगा, कहीं पर खिलौने की दुकान तो कहीं पर झूला लगा। हमने साथ बैठकर झूले के खूब मज़े लिए। फिर उसके बाद हमने माता रानी का आशीर्वाद लिए। अब प्यार के साथ साथ कुछ और भी करना था। स्कूल जाते थे तो एग्ज़ाम भी होना था। दोनों ने जोरों शोरों से पढ़ाई शुरू कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप हमने अपना एग्ज़ाम पूरी लगन से दे दी। उस एग्ज़ाम में हम दोनों ने एक दूसरे का बेझिझक साथ दिया।
फिर होना क्या था, हमारी मेहनत के हिसाब से हमें अच्छा नंबर मिला। स्कूल में क्लास की लड़कियां बस एक ही बात बोला करती थी, यार क्या तू तो स्कूल के बाद उसे ऐसे ही मोहब्बत करती रहेगी। ये सब बातें उसे बहुत मायूस करती थी। उसे ऐसे हालातों में देखकर मेरी टेंशन और बढ़ने लगती थी। वो सोचती थी कि मेरी लाइफ में ऐसा दिन कभी ना आए, अगर उससे बिछड़ूं तो उससे पहले मेरी जान चली जाए। हम दोनों ने ठान लिया कि हमारे बीच तीसरा कोई ना आए जिसकी वजह से एक दूसरे को अलग होना पड़ जाए। सो मेरे डियर फ्रेंड्स, कैसे लगे मेरी स्मॉल एंड छोटी सी स्टोरी जो कि मैंने स्वयं डेडिकेट करा हुआ है। ये रियल है, अब ये किसके लिए ये आप लोग खुद ही गेस करो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊं तो कमेंट में सेकंड पार्ट जरूर लिख देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब